मंदसौर जिले में बारिश के बाद किसानों की फसलें हुई बर्बाद। कांग्रेस नेता ने कहा, मुआवजा नहीं देगी सरकार तो करेंगे आंदोलन। मंदसौर जिले में पूरी तरह किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। कांग्रेस नेता और किसान नेता रविंद्र पाटीदार द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए रविवार को बताया कि बिना सर्वे के ही सरकार को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और इस बारिश ने किसानों के मुंह का निवाला भी छीन लिया है, इसीलिए सभी किसानों को राहत मिलनी चाहिए। एवं प्रवीण मांगरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए रविवार को बताया कि जिस तरह 2019 में आफत की बाढ़ में किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी और बिना सर्वे के ही कमला सरकार ने उस दौरान किसानों को मुआवजा दिया था एवं किसानों के चेहरे पर दीपावली की पहली खुशी लाई थी, उसी तरह मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी बिना सर्वे के ही किसानों को मुआवजा दे, नहीं तो किसानों के हक के लिए धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल एवं विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। यह चेतावनी मीडिया से चर्चा करते हुए आज रविवार को दी गई है और कहा कि अभी तक सर्वे टीम भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंची है, इस तरह का आरोप भी मीडिया से चर्चा करते हुए लगाया है। मल्हारगढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे परशुराम सिसोदिया ने भी कहा, किसानों के हक के लिए कांग्रेस को चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े वह उठाएगी, पर किसानों को मुआवजा एवं बीमा राशि मिलना चाहिए क्योंकि आफत की बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। हमारा ये कहना है कि हम कल भी मल्हारगढ़ मंदसौर के सभी ग्रामीण इलाकों में गए, अंचल में हमने निरीक्षण किया, किसान में त्राही त्राही मचा हुआ है, पूरी फसल लगभग चौपट हो चुकी है और जो ढेर पड़े हुए हैं खेत में कटे हुए उनमें अंकुरण पैदा हो गया और जो फलियां हैं ना पूरी सड़ चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारा मध्य प्रदेश सरकार से यह मांग है कि जो 2019 में कमलनाथ जी सरकार ने बिना सर्वे के मुआवजा दिया था और किसानों की दिवाली पर बम्पर उपहार किसानों को जो सौगात दी थी, वैसा ही इस समय भी मध्य प्रदेश सरकार किसानों को खुशहाल करे और किसानों की जो चिंताएं हैं वो चिंताओं को खुशियों में बदले और दीपावली पर उनका त्यौहार अच्छी तरह से मने, क्योंकि किसान अगर ये फसल ख़राब होती तो उनके आगे वाली भी फसल होती है और किसानों में बहुत ही आक्रोश है कि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सर्वे टीम या जो बीमा वाली टीम उनके पास नहीं गई है और ऐसा जल्दी सुनिश्चित करें हमारी सरकार से आपके माध्यम से मांग है। नहीं होता तो आगे क्या होता है? हम नहीं होता है तो हम सड़क से लेकर विधानसभा तक घेराव करेंगे, जिला स्तर पर हम ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे, यहाँ तक जरूरत पड़ी तो हम चक्का जाम तक करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। थैंक यू। लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, भारी बारिश हुई है, 3-4 दिनों से सोयाबीन कटी हुई फसल पड़ी है खेत में, उनका अंकुरण हो चुका है और पूरी तरह 80% खराब हो चुकी है, किसान के मुंह का जो निवाला है वो छिन गया है और किसान डायरेक्ट इसमें कोई सर्वे नहीं चाहिए, डायरेक्ट मुआवजा और बीमा राशि मिलना चाहिए, बीमा राशि के लिए भी काम करें आप तो अच्छा है। कौन कौन से क्षेत्र में अधिक बारिश हुई है, क्या मानते हैं? पूरे मंदसौर जिले में बारिश अच्छी हुई या ज़्यादा हुई है और भारी नुकसान हुआ है। रविंद्र पाटीदार, साबाखेड़ा।